नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पब्लिक स्कूल से लाइव आज मेहंदी कंपटीशन का एक आयोजन किया गया था संत कोलंबस पब्लिक स्कूल एकडरा में, जहां 3 प्रतिभागी ने फर्स्ट सेकेंड थर्ड का प्राइज जीता है। ये छोटे छोटे कंपटीशन लोगों को, बच्चियों को प्रोत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कंपटीशन का दौर है, अगर एक पॉइंट भी कोई पीछे रहेगा तो जिंदगी में असफल हो जाएगा, और जो एक पॉइंट आगे रहेगा वो सफल हो जाएगा। ये छोटा छोटा कंपटीशन इसी तरह आयोजन होते रहे तो बच्चों में प्रतिभा का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्लास में टीचर है वो अपने क्लास के बच्चे को शांत कराए। तमाम बच्चियां हैं जिनके हाथों में मेहंदी लगी है आज, इनमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड को चुनना है। बहुत ही एक से एक डिजाइन देखिए, जब जज की बारी आती है ना तो जजमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि सारी बच्चियां स्कूल की हैं, सारी बच्चियां अपनी हैं। ऐसे में जज करना बहुत ही मुश्किल हो पाता है, क्योंकि सारी बेटियों ने मेहनत की। पब्लिक स्कूल में तमाम बच्चियों ने आज मेहंदी कंपटीशन में भाग लिया। ये छोटी छोटी बच्चियां हैं दर्शकों, देखिए, और सबों के हाथों में मेहंदी रची है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है जिसमें प्राइज भी दिया जाना है। जो भी आज फर्स्ट सेकेंड थर्ड आएंगी बच्चियां, उनको आज प्राइज दिया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से। कंपटीशन इसी तरह आयोजन होते रहे तो बच्चों में प्रतिभा का विकास होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ युवा डायरेक्टर विजय प्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये छोटे छोटे कंपटीशन का तैयारी करवा के बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं। सर, ये प्रोग्राम मैंने सावन में रखा। सावन हरियाली का प्रतीक है, और मेहंदी लगाने के बाद ये सूख जाने के बाद इससे लाल रंग निखर करके आता है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्व रखता है। इस वजह से मैंने ये प्रतियोगिता रखा, और यकीन मानिए बच्चे लोग बहुत उत्साहित थे और बहुत अच्छा लगा। हमारे पूरी टीम की तरफ से विद्यालय परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं, और हमारे तमाम दर्शकों को भी आने वाले स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। दैनिक लाइव 24 के लिए वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।